नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय, चिन्मय गौर, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं वायलिन के नए लेसन में। आइए सीखते हैं कि ये थाट क्या होता है और वायलिन पे 10 थाट कैसे प्ले करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, लाल बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो आप तक सही समय पर सबसे पहले पहुंच जाए। खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि 7 शुद्ध स्वर है और 5 विकृत स्वर है। विकृत मतलब कोमल और तीव्र, ठीक है। अभी 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर जो कि म, तो कुल मिला के हमारे पास 12 स्वर है। अब इस 12 स्वर से अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं और वही थाट है, और उन कॉम्बिनेशन से फिर अलग अलग राग बन सकती है, या बहुत सारे रागों को क्लासिफाइड करने के लिए कि अगर इस राग में ये सुर आ रहे हैं तो ये इस थाट की है, हम इजीली पहचान सकते हैं। तो ये थाट का रोल है। हमारे उत्तर भारतीय संगीत में कुल मिला के 10 थाट लिए गए हैं। थाट बहुत सारे बन सकते हैं। 72 थाट साउथ इंडिया में थे, उन 72 थाट में से फिर 33 थाट आए, फिर उनमें से उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाट लिए। तो कुल मिला के ये कॉम्बिनेशन है बस। अभी सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या है, जिसको कहते हैं बिलावल थाट। बिलावल थाट उसमें सभी जो सुर है वो शुद्ध होते हैं, यानी कि जो हमने प्रैक्टिस किया था सारे गामा पधानी सा, ठीक है, सारे गमा पदा नी, इसमें कुछ कोमल नहीं, कोई तीव्र स्वर नहीं, एकदम सिंपल। ये है बिलावल थाट, लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस भी करिएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम म को जो है तीव्र कर देंगे, मतलब म को ऊंचा कर देंगे। तो सारे ग मा प ध नी सा, तो ये बन गया कल्याण थाट, यानी कि कल्याण थाट में म जो है वो शुद्ध नहीं आएगा, वो तीव्र आएगा, आधा ऊंचा आएगा, है ना। अभी हम क्या करेंगे, हम नी को कोमल कर देंगे, सा रे ग म प ध, ये शुद्ध नी है और आधा नीचे करेंगे, नी सा, तो ये बन गया खमाज थाट, है ना। अभी दोस्तों थाट के कुछ नियम भी है, उनमें से एक मेन नियम यह है कि हम कोई भी सुर को दो बार आसपास में नहीं रख सकते, मतलब कोई भी सेम सुर को दो बार रिपीट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई इसे कोमल ग है और शुद्ध ग है दोनों ग ना, तो इनको हम साथ में नहीं ले सकते। अगर कोमल रे है, शुद्ध रे है, तो इनको हम साथ में नहीं ले सकते। या तो आप कोमल रे लोगे या फिर आप शुद्ध रे लोगे, या तो आप कोमल ग लोगे या फिर आप शुद्ध ग लोगे, या तो आप शुद्ध म लोगे या तो आप तीव्र म लोगे। तो ये कुछ अलग अलग नियम हैं जिनको ध्यान में रखे हमको ठाट को जानना है ना। तो सब शुद्ध मतलब बिलावल, फिर कल्याण के अंदर हमने म को ऊंचा कर दिया ऐसे, उसके बाद खमाज में नी को हमने आधा नीचा कर दिया, कोमल कर दिया, ठीक है। अभी उसके बाद भैरव ठाट में हमने रे को और ध को कोमल कर दिया, सारे ग, अब ग शुद्ध रहेगा लेकिन रे जो ऐसा था ना, इसको हमने ऊपर कर दिया, मतलब ऐसे नीचे कर, रे से हल्का सा नीचे कर लिया, सारे ग म प ध नी सा, यानी कि आधा नीचे, ठीक है। तो ये बन गया रे और ध कोमल, मतलब भैरव ठाट। ऐसे ही काफी ठाट में सारे ग कोमल ग म प ध नी सा, ग और नी कोमल। तो सब शुद्ध मतलब बिलावल, कल्याण में म तीव्र, उसके बाद खमाज में कोमल नहीं आ जाएगा,
फिर भैरव में हमने रे और ध को कोमल कर दिया। उसके बाद हमने काफी ठाट में ग और नी को कोमल कर दिया, तो सा रे ये शुद्ध ग था, हमने नीचे कर दिया उसको, ऐसे ही शुद्ध नी को हमने नीचे कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे मारवा ठाट, इसमें हमने रे को किया कोमल और म को किया तीव्र। सारे गमान, देखो म को ऊंचा कर दिया और रे को हमने नीचा कर दिया, है ना। फिर हम ले सकते हैं आसावरी ठाट, जिसमें हमने ग ध और नी तीन सुर को जो है कोमल कर दिया, कैसे, सा रे ग म प ध नी सा। देखो ये शुद्ध ध था तो हमने नीचे किया इसको, ये शुद्ध नी था तो हमने इसको आधा नीचे किया, ऐसे ही शुद्ध ग को हमने आधा नीचे किया, तो सा रे ग म प ध नी सा, ये बन गया असावरी ठाट ग ध नी कोमल, है ना। उसके बाद बिलावल में शुद्ध, कल्याण में तीव्र, खमाज में कोमल नी, फिर काफी में ग नी, भैरव में रे ध कोमल, फिर मारवा लिया जिसमें रे कोमल म तीव्र लिया। अब हम सीख सकते हैं पूर्वी ठाट, तो पूर्वी के अंदर जैसे हमने मारवा में क्या किया, मारवा मार मा को तीव्र किया, रे को कोमल कर दिया, ऐसे पूर्वी में मारवा ठाट में अगर हम ध को भी कोमल कर देंगे तो बन जाएगा पूर्वी ठाट, कैसे, मारवा ठाट क्या है, रे कोमल और म तीव्र, अगर हम इस ध को भी कोमल कर देते तो बन जाएगा पूर्वी ठाट, सा रे ग म प ध नी सा सा रे द प म ग रे सा, समझे, रे कोमल म तीव्र और ध कोमल पूर्वी, कितने हुए, बिलावल, कल्याण, फिर खमाज, भैरव रेध कोमल, फिर काफी गनी कोमल, मारवा रे कोमल म तीव्र, पूर्वी रे कोमल म तीव्र ध कोमल, 1 2 3 4 5 6 7। अभी मैं कुछ भूल रहा हूं, तोड़ी, हाँ तोड़ी के अंदर हमने क्या किया, सा कोमल रे कोमल ग तीव्र म प कोमल ध शुद्ध नी और सा, यानी कि रे कोमल किया, ग कोमल किया, म को तीव्र किया, ध को फिर से कोमल किया, तो ये देखो रे को कोमल किया ऐसे, ग था उसको कोमल किया नीचे, म शुद्ध था उसको ऊंचा कर दिया, तो ये बन गया तोड़ी ठाट। और फिर भैरवी ठाट, भैरवी के अंदर हमने सभी सुर को कोमल कर दिया, यानी कि रे ग ध नी को कोमल कर दिया, सा रे ग म सा ने द प म ग रे सा, ठीक है, रे को कोमल किया, ग को कोमल किया, म शुद्ध है, फिर ध को कोमल कर दिया, नी को नीचे कर दिया, ऐसे कोमल कर दिया और ये हो गया, तो ये हो गया हमारा भैरवी ठाट। तो कुल मिला के ये 10 ठाट है। तो दोस्तों अभी जो 10 ठाट थे आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है, सभी ठाटों पे आपको सारे गम प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा आरो और अवरो, आरो मतलब चढ़ना, अवरो मतलब उतरना, ठीक है, इनका प्रैक्टिस करना है। और जो मैंने आपको लेसन 3 और 4 में अलंकार सिखाए थे वो भी इसमें अप्लाई करने हैं। मैं आपको 10 ठाटों के अंदर सारे गम प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा बजा के दिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले बिलावल ठाट, यानी कि सभी सुर शुद्ध, क्या किया, ठीक है। उसके बाद कल्याण ठाट, जिसमें हमने म को आधा ऊपर किया, ठीक
उसके बाद खमाश ठाट जिसमें हमने नीको कोमल किया, उसके बाद भैरव ठाट जिसमें हमने रे और ध को कोमल किया, उसके बाद काफी ठाट जिसमें हमने ग और नी को कोमल किया, उसके बाद मारवा ठाट जिसमें हमने रे को कोमल किया, म को तीव्र किया, उसके बाद पूर्वी ठाट जिसमें हमने मारवा में ध ऐड किया हमने कोमल, कैसे रे कोमल म तीव्र और ध कोमल, ठीक है। फिर असावरी ठाट जिसमें हमने ग ध नी कोमल किया, उसके बाद तोड़ी ठाट जिसमें हमने रे कोमल किया, ग कोमल किया, म तीव्र किया, ध कोमल किया, उसके बाद भैरवी जिसमें हमने रे ग धनी कोमल किया, तो दोस्तों आपको इन सभी 10 ठाटों की प्रैक्टिस बढ़िया करनी है। सारे गम पदनीसा सानिधपम अगदेसा और सभी अलंकार जो मैंने 3 और 4 लेसन के अंदर सिखाए हैं इन 10 ठाट पे अप्लाई करना है। धीरे धीरे लंबी लंबी बो के साथ पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करनी है कि आवाज क्लियर निकलनी चाहिए, लाउड निकलनी चाहिए, और जो आप स्ट्रिंग प्ले कर रहे हो उसी को बो करना है, इस बात का ध्यान रखना दूसरी स्ट्रिंग की आवाज नहीं आनी चाहिए, प्रैक्टिस से आ जाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको दिक्कत आए, ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, अब अगले वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, एक ऐसी टेक्निक जिससे आपको वायलिन प्लेइंग में बहुत फायदा मिल सकता है, आप ये 10 ठाट बहुत जल्दी याद कर सकते हो और साथ में आपके वायलिन प्लेइंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो, जिसको बड़े बड़े आर्टिस्ट फॉलो करते हैं। तो ये एक बहुत रास की बात है, सस्पेंस की बात है जो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अच्छा प्रैक्टिस करना और मैं कहूंगा कि मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए ऐसे ही, और जय भारत जय हिंद।